नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 11 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 10x इक्वल्स टू -5 बाय 12 एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 10x के अलावा बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है। हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि एक्स किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी इसमें है। और इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसलिए यहाँ पे हमें 10x क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 10x इज इक्वल्स टू -5 बाय 12, ये हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब हमें ये पता है टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉट एक्स क्या होगा, इसका उल्टा, यानी -12/5। अब हमारे पास कॉट एक्स आ गया है -12/5। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास कॉट एक्स है, अब हमारे पास sec स्क्वायर एक्स -tan² x एक रिलेशन है sec और tan के बीच में =1। अब यहाँ पे मेरे पास tan की वैल्यू है तो मैं इसके अंदर यहाँ पुट कर देती हूँ, मुझे यहाँ से sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। माइनस मेरा टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, -5/12² = 1। मेरे पास ये वैल्यू मिली मुझे। अब यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स की कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए उसको ऐसे ही लिख देते हैं। -5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और हमारे 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 = 1। तो मेरे पास क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 25/144, ये मुझे मिला। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इनको सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पे एलसीएम लेके सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने 144 एलसीएम लिया, मेरे पास आएगा 144 + 25, ये आया मेरे पास। अगर इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 169/144। अब इसको उधर ले जाते हैं, सेक एक्स इज इक्वल्स टू √169/144 प्लस और माइनस। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, इसलिए सेक क्या होगा, नेगेटिव। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी सेक एक्स की, माइनस ये √169 की वैल्यू क्या होती है, 13, और √144 की वैल्यू क्या होती है, 12। यानी मेरा सेक एक्स क्या है, -13/12, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब सेक स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, कॉस एक्स, तो अब कॉस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -12/13। अब यहाँ से मेरे पास कॉस एक्स की वैल्यू आ गई है तो मैं साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्योंकि हमें एक रिलेशन पता है, कॉस स्क्वायर एक्स +sin² x = 1, ये एक रिलेशन पता है हमें। तो अब यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, कॉस एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, -12/13² + sin² x = 1, ये मेरे पास वैल्यू आई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -12 का स्क्वायर क्या होगा, 144/169, ये 13 का स्क्वायर हो गया, +sin² x = 1, ये मेरे पास वैल्यू आई। अब मैं क्या करती हूँ, इस 144/169 को दूसरी तरफ ले जाती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा sin² x = 1 -144/169। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 44 कितना होता है। अब इसकी हम एलसीएम ले लेते हैं, अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 169 - 144/169 हो जाएगा। 169 - 144 कितना होता है, 25, 25/169 यह है मेरे पास। तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, साइन एक्स इज इक्वल्स टू √25/169 प्लस एंड माइनस। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 25 अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 5/13। लेकिन हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। हमारे पास साइन एक्स आ गया तो मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, यहाँ से मेरे पास आराम से कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी, कॉसेक क्या होगा मेरा फिर, 13/5।